नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल दादी टेरेस गार्डन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हम आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे टेरिस गार्डन पर हरी भरी बगिया में। और दोस्तों, हम जो है आज अपने पौधा लगाने के लिए गमले तैयार करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे तैयार करें गमले। ये देखिए दोस्तों, ये पहले हमने जो है ये सुराख कर लिया है, इसमें सुराख किया है कई जगह। इसमें जो है खपड़े और नारियल का टूटन, जो खोपड़ा का टूटन होता है, वो ये सब लगा के ये रख दिया है। अब इसमें हम ये जो किचन वेस्ट का होता है, गार्डन का कटन होता है, उसको हमने सुखवाया है। ये एक दूसरा तरीका है कि जैसे हम अपने गमले को हल्का करने के लिए और नीचे हमारे पौधों को ज़्यादा दिन खाद मिलती रहे, धीरे धीरे जितना पौधों की ज़रूरत हो उतना वो खाद लेते रहें, तो ये गार्डन का कटन और जो है ये डालते हैं इसमें हम। ऐसे ही मैं सुखवा लेती हूँ, जैसे गार्डन का कटन है और किचन वेस्ट है, ऐसे अपने गमले में जैसे बड़े बड़े जो पॉट हैं उसमें भर दो आप ऐसे ही। और हमारे जो है पौधों को अच्छे से खाद बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, अच्छी मात्रा में खाद मिल जाएगी। और दोस्तों, चाहे अपना वैसे ही बना लो और चाहे किचन वेस्ट का खाद, और चाहे ऐसे सुखवा सुखवा के अपने जो है पौधों में डाल दें आप। ये देखिए, ये मैं टोकरी में भर के सारा सुखवा सुखवा के इकट्ठा करती रहती हूँ, फिर जो है डाल देती हूँ। और हमें गमला हल्का करना होता है तो मैं सुखवा के, जैसे हमें गमला हल्का रखना होता है तो मैं सुखवा के रख लेती हूँ और अपने जो बड़े गमले रहते हैं इसमें भर देती हूँ। और वैसे किचन वेस्ट का खाद भी बनाती हूँ, और जब इस ऐसी ज़रूरत रहती है गमला हल्का करने के लिए तो इसको सुखवाती हूँ। और आप दोनों तरीके से, जैसे कोई भी गार्डन का कटन, हमारे गार्डन में इतने सारे वेस्ट निकलते हैं, किचन वेस्ट निकलता है, आप कुछ मत फेंकिए, कोई कूड़ा में मत डालिए, जो है वेस्ट नहीं है, ये हमारे पौधों के लिए, हमारे गार्डन के लिए ये बहुत बड़ा जो है अमृत है समझ लो, और बहुत बड़ा वरदान है। हमारा पौधा इससे बहुत अच्छा चलता है। अब इसको खूब दबाएं, ये देखिए मैं दबा के भर देती हूँ, ये देखिए ये अच्छे से दबा के भर देंगे ना, काफ़ी दिन बाद जैसे पौधा जो है लगने के बाद, या आप वैसे ही महीना 15 दिन के लिए मिट्टी भर के रख देंगे तो ये जो है एकदम बैठ जाएगा, एकदम बैठ जाएगा और खाद मिल जाएगी अच्छी। और हमारे पौधों के लिए धीरे 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 बहुत अच्छी मात्रा में खाद मिलेगी, और हमें जो है अच्छे फल, अच्छी सब्जी, अच्छे फूल और मिलेंगे। हमारा गमला भी बहुत हल्का रहेगा, आप देखिए इतना बड़ा पॉट है हमारा, 14 इंच का है। इसमें हम चाहे कोई फल का पौधा लगा लें और चाहे बैंगन का लगा लें, कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम मिट्टी भर देते हैं, ये देखिए इसमें हमारे गोबर की खाद और हल्दी, नीम, खली ये सब पहले से मैंने मिला के रख लिया था,
ये बोरी में भर के हमने रखा था, अब ये गमला तैयार कर रहे हैं। दोस्तों ये हमने भर लिया है, इसमें हमने इतनी मिट्टी डाल दिया है, इतनी ज़्यादा नहीं डाले हैं, इतनी मिट्टी डाले हैं, बाकी सब यही किचन वेस्ट। और ये जो है एकदम यही समझ लो कि ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद और एकदम काली खाद बन जाएगी, और हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि हम यहाँ वहाँ जाएँ। ऐसे ही जो है चाहे सुखा करके अपने गमले भर लो, बड़े हैं तो अगर पूरा मिट्टी भरोगे तो बहुत वजन हो जाता है, इधर उधर करने में उठाने में बहुत दिक्कत होती है। और इसको जो है हल्का रहेगा, आप देख रहे हैं ये देखिए कितना हल्का है ये देखो ये, अब इसमें इतनी मिट्टी भरी है और बाकी ये वेस्ट भरा है। तो इसको कहीं भी हम यहाँ वहाँ कर सकते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहें और उठा के ले जा सकते हैं। और इसमें बैंगन का पेड़ और करेले का, तुरई का बहुत अच्छे से चलेगा, और फूलों का कुछ भी लगा सकते हैं। और ये भी भर लिया है, इसमें भी हमने इतना जो है किचन वेस्ट भरा है और इतनी मिट्टी भरी है, और इसमें हमने अभी थोड़ा ही भरा है। इसमें मैं गुड़हर का पेड़ जैसे लगाऊँगी तो इसके लिए मैंने आधा भरा है, ये इसको पहले भर ली थी कलई, और पानी थोड़ा डाल के देखिए ये पानी डाल के धर दी हूँ, तो ये इसमें हम गुड़हर के पेड़ लगाएंगे। ये तीन गमले हमारे तैयार हो गए। और दोस्तों ऐसे ही अपने बगिया में जो है खाद बनाएं अपने घर पे ही, और अच्छे अच्छे फूल पौधे सब्जियों का उगाएं, और खूब बढ़िया से बगिया का गार्डन का आनंद लें। और दोस्तों आज ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो अगर आपको, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्ते।